ऐसी कि अमित शाह जितने ढील भर दे उतने बोले फालतू की बोले ना कतई। अपने घर ते जो मशीन में जो फूल पे ठोकवा मत रीजो और जो बैलेट पेपर पे भय ना चुनाव तो एक पर है ना। देश बहुत ऊंचा पहुंचा दियो, बहुत ऊंचा। कितना ऊंचा? कटोरा लेके डोले हो हमारे प्रधानमंत्री, इंडिया को प्रधानमंत्री कटोरा लेके हम करे ना ज्यादा ज्यादा वहीं तक भाग रहे हैं। दिल्ली तक खूब जोर करे भाग गए, वहाँ पांच जगह तक जोर करे हूँ तो भाग गए। आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। पहुँचा दिया इसने, रेलवे को बेच दिया, LIC को बेच दिया, उड्डयन मंत्रालय को बेच दिया। देखिए कहाँ है बताओ, सरकार आवे? सरकार नहीं आएगी, सरकार किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। फिर आप अभी कह रहे हैं कि भैया काम से नाराज हैं, फिर अभी मोदी जी आएंगे दो चार रैली करेंगे फिर बोलेंगे आप भैया आप अबकी बार दे देते हैं। अब की नहीं होगा जी, पहले भूल भुलैया में लोग दे गए, पांच राज्यों के चुनावों में पूरी तरह से इसका पत्ता साफ है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मिठौली गांव में हैं, रात के 8:30 बज रहे हैं। यहां पर अलीगढ़ ख़त्म होता है और यहां से मथुरा की शुरुआत होती है, यानी कि ये बॉर्डर पर है। तो यहां के तमाम लोग हैं, मिठौली गांव के तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि ये गांव जो है वो मथुरा विधानसभा मथुरा लोकसभा सीट में ही आता है, यहाँ से हेमा मालिनी सांसद है। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, ये दूसरी वीडियो है। तो तमाम लोग यहाँ से बातचीत करेंगे। अब की इस BJP सरकार से तो बिल्कुल किनारा करने का प्रोग्राम है, इससे तो बिल्कुल त्रस्त हैं लोग, बिल्कुल परेशान हैं। इसने कुछ भी नहीं कराया, ढोंग किया है, पाखंड, और किसी भी मतलब किसी उसको नहीं रोक पाई। नाराजगी हो गई पिछले 4.5 साल, बिल्कुल पूरी तरह से नाराज। किस किस बात को लेकर नाराज है? स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा, रोजगार, ये सारे उस पर ये फेल रही है अपने उसमें। अच्छा, वादे किए, हवा हवाई वादे सारे। क्या लगता है, कंपैरिजन करें पिछली सरकार से, तो क्या लगता है कि इस सरकार में बेहतर हुआ या पहली सरकार में? पिछली सरकार में बेहतर हुआ, इससे तो बहुत सारी भर्ती, अखिलेश यादव सरकार में बहुत सारी भर्तियाँ हुई, निष्पक्ष भर्तियाँ हुई। उससे भी पहले मायावती सरकार में भी अच्छा काम किया, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। फिर आप अभी कह रहे हैं कि भैया काम से नाराज हैं, फिर अभी मोदी जी आएंगे दो चार रैली करेंगे फिर बोलेंगे आप भैया अब की बार दे देते हैं। अब की नहीं होगा जी, पहले भूल भुलैया में लोग दे गए, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। योगी से भरोसा क्यों नहीं रहा? योगी जी और ये की थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग दोनों। अमित शाह के कहे थे बोलेंगे जो कुछ अमित शाह भर देना आया मैं नहीं ल उतने बोले वैसे के। जैसे पहले जो कह देना आएगा वो मनमोहन जो है वो सोनिया बुलवावे, ऐसे ही कि अमित शाह जितने रील भर दे उतने बोले फालतू की बोले ना कतई। योगी जी? हाँ जी, योगी बोले ना, मोदी बोले। अच्छा, मोदी जी भी नहीं बोले? थोड़ा आगे आ जाइए। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा जो लगे झूठे वायदे करें कि मैं 2 करोड़ जो है रोजगार दूंगा और बहुत से वायदा ने पूरे करूँगा। आज तक कछु ना आए, 7 साल है चुके इन्हें, 7 साल में आज भी आज तक कोई बच्चा नहीं लगाया उन्होंने। गांव में जब गांव के इलाके में जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में जा रहे थे, नाराजगी बहुत है लोगों को रोजगार को लेकर। देखो नाराजगी सब जो है जितनों भर लोगों का वो धंधो ना सब चौपट कर दियो है 2 साल में तो बिल्कुल। किसान और मजदूर तो यावकत पटल पे, खेत बेक बेक के खाएंगे और कछु छोड़ो ना है इन्हें पे, तो इतनी परेशानी है। किसान आंदोलन जो बॉर्डर पे चल रहा है उसका फर्क पड़ने वाला है? वह को पूरा पड़ेगा। UP में तो यहाँ की सरकार आ नहीं रही, नहीं आ रही है। वो भी फिर भी अमित शाह दावा ठोक के कर रहे, जैसे कह रहे थे भैया बंगाल में हम 2 सीट लेकर आएंगे। ऐसी अपने घर से जो मशीन में जो फूल पे ठोकवा मत रीजो और जो बैलेट पेपर पे भय ना चुनाव तो एक पर है ना। ये बता, EVM को लेकर भी लगता है कि भैया कुछ घोटाला है? लगता है घोटालो है, बिल्कुल घोटालो है। कहूँ बटन दाब लो वह फूल पे दबे। किसने कहा आपसे? हम तो बहुत ने कही, वहाँ कही बंगाल में और वहाँ कही जहाँ 5 जगह चुनाव भये और फिर वहाँ कछु न ले पाए। आज सवेरे उनके विधायक सब भाग गए, सारे भाग गए। हाँ, बंगाल की बात कर रहे हैं? बंगाल में तो इसको ममता दीदी ने बिल्कुल परेशान करके भगा दिया वहाँ से, दंगा करके पूरी तरह से। वहाँ इसने जोर करे ना ज्यादा ज्यादा वहीं तक भाग रहे हैं। दिल्ली तक खूब जोर करे भाग गए, वहाँ 5 जगह तक जोर करे हूँ तो भाग गए और भगेंगे यूपी में तो। यूपी में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, जहाँ भी चुनाव है, राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के चुनावों में पूरी तरह से इसका पत्ता साफ है निश्चित तौर पर। ऐसा क्यों लगता है भैया? वो तो दावा कर रहे हैं कि इतने सारे सीटों पर वो दावा कर रहे हैं, लेकिन अपने कामों पर दावा कर रहे हैं लेकिन काम कुछ है नहीं उनका। तो 7 साल में भैया बहुत सारे लोग बता रहे थे कि भैया विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने। कुछ नहीं बनाया विश्व गुरु, कहाँ बना दिया इसने? कभी तो काले धन के लिए बोलता है,
और कभी कहता है कि रोजगार, कभी शिक्षा चिकित्सा, ये तो बहुत सारी उस पर झूठ बोलता है, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया आज तक। सांसद को मकान कहाँ है बताओ? मुंबई में। अरे बम्बई जाएंगे जब मथुरा आ जाए, मथुरा जाए दिल्ली में कहीं नहीं रहती पावे ही ना है, वो मथुरा पावे ना बम्बई पावे, वो फिल्म बनावे हाँ। तक नहीं पाती है। मैं बताऊं हमारो गांव मथुरा थे लास्ट मतलब जो ना कह देकर अखीर पे टेल पे बिल्कुल तो यहाँ थे तो लोग बाग जाए ना है मथुरा और नहीं खूब मिले मथुरा जावे बारे ने खूब मिले हाँ, लेकिन यहाँ तो जाए ना मुलाकात हुई मालने की भैया में तो जाए जब खूब हो खूब मुलाकात हो तो फिर गांव की समस्या हल करवाइए, ये लोग परेशान है। की समस्या का हल करवा में कह के आमे, अब ना करें तो अब हम क्या करें? कह के आमे आप मिलने जाते हैं, आप ही की बात नहीं सुन रहे। ना ना कह के आमे हम खूब अच्छो सड़क तो मानागढ़ी थे मिठोली के लिया का सरकार ने ना बना के दी, अखिलेश ने बनाई ना, मायावती ने बनाई ना, और यू नहीं बनाई योगी ने भी नहीं। सांसद जयंत ने काम नहीं करे, ये तो पहले थी चल रही। सांसद जयंत भाई उन्होंने काम करे, अच्छा ने काम किया, जनता के बीच में आवे, सुने सब की बिजली को और सबके काम करे, बढ़िया काम करे। बताइए कि सरकार आ रही नहीं आ रही है? कौन सी? बीजेपी? बीजेपी ना आ रही है। अरे सर यहाँ तो कोई दर्शन कोई हेमा मालिनी तो नहीं ना देगी कहाँ है? बताओ सरकार आएगी? सरकार नहीं आएगी, सरकार किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। इतना चैलेंज के साथ? इतना चैलेंज के साथ है, सरकार नहीं आएगी। अच्छा, क्यों आपको लगता है कि नहीं आएगी? इसके काम से लोग खुश नहीं है, काम पे वोट मिलता है। चुनाव के टाइम में बोलेंगे कि भाई हमने तो मंदिर बना के रख दिया। अब मंदिर में ना कर रखने से एक बात बताओ, मंदिर का क्या करें? ये लोग कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर में क्या करें लोग? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वहाँ जाके? इस मंदिर पर तो पूजा नहीं हो पा रही हम लोगों से। किसान के पास इतना टाइम है कहाँ? क्योंकि सर सुनो, हमारे किसान वहाँ दिल्ली पर है, रोज उन्हें फेंक दे उठाए के, आज लड़ाई वही गई है वहाँ, आज उनसे मारपीट कर दी है। हमारे किसान देखो, हमारे किसान ना है तो बताओ गुड़ ले जाएंगे और बाद गई गए हैं वो जाके आज लड़ाई करी गया है तो बताओ को हमारे किसान पिट रहे हैं तो हम का ही पिटने लगे। भैया बोलते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जब सरकार बनती है तो भैया कहते हैं जातिवाद हो जाता है, तो आपका लगता है ऐसा होता है ना? ऐसा को चुनाव सब काम भयो जब सबकी भर्ती कराओ बरमर काम हो, ऐसा को चुनाव स्पष्ट भर्तियाँ हुई उस समय पर। अच्छा हाँ जी, बहुत बढ़िया तरीका। योगी सरकार में भर्ती नहीं हुई इसमें तो? योगी सरकार में भर्ती नहीं हुई आज तक, भर्ती नहीं किसने तो? कोरोना काल में साल के तो कोरोना ही चल लो, भर्ती कहाँ चले अब कोरोना ही चल लो। कोरोना काल में कैसा काम किया योगी सरकार ने? ठीक करो, बढ़िया बढ़िया करो। लोग कहते हैं भैया गंगा नदी के किनारे जो है लाशें लाशें नजर आ, लोग कहा ना कि ये तो सब कछु तो वैसे उड़ाए दे। कोरोना काल में इतना काम किया योगी सरकार ने कि लोग कंपनियों में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग के जो लोग थे अपने गांव के लिए जो वापस जा रहे थे ना प्रवासी मजदूर, वो सारे लोग सड़क पर मर गए भूखे प्यासे। इसने कोई काम नहीं किया ना, कोई गाड़ी की कोई व्यवस्था की ना उनके कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था, सारे लोग ताप में गर्मी में पैदल पैदल चल के मर गए, बहुत सारी औरतें मर गईं और ये कहते हैं हमने ऐसा कोरोना काल में काम किया, क्या काम किया इसने? अच्छा ये बताइए कि चुनाव के वक्त जब चुनाव का टाइम आता है, चुनाव के बिल्कुल पीक टाइम आता है, उस वक्त जो है बीजेपी कोई ना कोई योजना लेकर आएगी तो फिर बोलते हैं भैया बीजेपी सही है, और अभी आप बोल रहे हैं गलत है। बिल्कुल गलत है, बीजेपी क्या लेके आएगी? हिंदू और मुसलमान में झगड़ा कराएगी और इन दोनों को मतलब दोनों उसमें समुदाय में बांटेगी, ये काम करती है और यही काम इसने पिछली बार किया, सर्जिकल स्ट्राइक करके वो वहाँ मरवा दिया 44 लोगों को। कैसे कह सकते हैं मरवा दिया? एक बात बताइए, जब कानवाई जा रही तो कानवाई में क्या मतलब है? कानवाई ऐसे जाती है कि कानवाई में तो पूरा रोड बंद हो जाता है। मैं बताऊं ऐसा है, देश बहुत ऊंचा पहुंचा दियो, बहुत ऊंचा। कितना ऊंचा? कटोरा लेके डोले हो हमारे प्रधानमंत्री, इंडिया को प्रधानमंत्री कटोरा लेके हमें यहाँ में डाल दो, हमें यहाँ में डाल दो। आज मोदी ने वहाँ पहुँचा दिया, हमें कर्ज मांगे भी का जरूरत ना रही, बहुत कर्ज ले रहे ना ना आप दे रहे, बहुत कर्ज ले आप दे रहे में पहुँचा दिया इसने, रेलवे को बेच दिया, LIC को बेच दिया, उड्डयन मंत्रालय को बेच दिया, बहुत सारी कंपनियों को बेच दिया। टोटे में जा रहे हैं तो मुनाफा, प्राइवेट में मुनाफा हुआ और सरकारी में टोटो पड़े कैसे पड़े? क्या बोलोगे? रेल को भी बेच दिया, रेल विभाग कौन कहता रेल विभाग घाटे का सौदा है? जाम बैठे कहाँ को बेच दियो? कहाँ बोले संसद में बेच डाला इन लोगों ने। और बताओ ये क्या करेंगे देश के लिए, क्या कर सकते हैं बताओ? ये देश मजबूत हुआ? कोई मजबूत नहीं हुआ, ये सब कहने वाली योगी जी के रहते हुए कुछ मजबूत हुआ ही नहीं बताइए? कुछ मजबूत नहीं हुआ, कोई भी तो पेंशन ले रहे हैं, चावल अन्य खाए भी मिल जाए और उस निधर को गवर्नमेंट की बुराई करे फिर कि न्यू नाइब हो और सब 38-38 साल के ले रहे हैं पेंशन और सब बिजली इतनी बढ़िया कर दी, ट्रांसफार्म घर बैठे आ जाए,
घर बैठे आए है भाई ना हरी। अच्छा रोड बड़ी बिल, बिल, बिल कितना महंगा हो गया। बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली की आप बात कर रहे हैं। 22 घंटे की बिजली की किसान को जरूरत नहीं है। किसान का काम तो 10 घंटे बिजली में हो जाता है, लेकिन बिल 2200 रुपए कहाँ से लेके आएगा किसान? गेहूँ बिच रहा है 1600 रुपए क्विंटल में और बिजली का 2200 रुपए कहाँ से दे रहा है? 10 घंटे बिल नहीं, क्या है 2200 रुपए बिल दे रहा है? कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब बिल 900 रुपए था और बताओ आज 2200 रुपए है। अच्छा ये देखिए, अखिलेश सरकार और योगी सरकार दोनों सरकार में से अब की बार कौन बनेगा तो बेहतर होगा? ये अखिलेश यादव। देखो बीजेपी को एक काम समझ में आया हुआ है कि कोरोना काल में जैसे परेशान लोगों ने राशन दबाया हुआ है, यानी दोनों में से कौन बेहतर है ये बताइए सिर्फ, अखिलेश या में बीजेपी में हैं समाजवादी में और बीजेपी में? खैर बढ़िया तो बीजेपी है वैसे, लेकिन एक बात बीजेपी बेहतर, एक बात सुनो, अगर बीजेपी सही लाइन बस रहा तो बढ़िया है, लेकिन बीजेपी जो केका वा करे ना है। ठीक है, चलिए आपको क्या लगता है बेहतर कौन है? बेहतर हमें तो दोनों में कोई ना लग रहा, कोई नहीं लग रहा। आप बताइए बीजेपी, आप बताइए बीजेपी ना आ रही जाओ कैसे? आप बताइए। देखो जी हम तो बीजेपी के नाम दे रहे ना, पहले दिए हम तो खिलाफ हैं, दूसरी पार्टी देंगे। इंडिया बंधु आप पूछ रहे हो बीजेपी और इन सरकार में कौन बढ़िया है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बढ़िया सरकार आज तक मायावती रही है। जितना विकास किया है केवल मायावती ने किया है, जो भी किया है वो मायावती ने किया है हमारे लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। कर्मचारी एकदम अलर्ट रहता था उसके शासन में, आज कर्मचारी कोई मिलता ही नहीं, न कोई वो आता है बिजली वाला देखने के लिए, न कोई और कोई कर्मचारी मिलता है, केवल फ़ोन से वो मिलते हैं। और रही बात उसकी हेमा मालिनी की जो आप पूछ रहे हैं, हेमा मालिनी जी यहाँ का आने की अब क्या जरूरत है? अब कोई दोबारा वोट लेने थोड़ी आ रही है, दोबारा वोट देंगे अब तो बम्बई से ले लेंगे या दिल्ली से मिल जाएंगे। और आपने एक शब्द कहा था कंपैरिजन के बारे में, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो केवल एक सर्कस में आ रहा है, सर्कस आता था बहुत पहले बीएन सरकार, उसके मुकाबले कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन उसका क्रम तो बढ़िया था क्योंकि वो दी वाटर ऑफ इंडिया का गेम दिखाते थे, उसमें लोटा भर के लाते थे, लोटा बार बार खाली करते थे लेकिन लोटा भरा रहता था। इनका तो वो भी जादू खाली है, केवल जवानी जादू चल रहा है इनका। ठीक है, तो ये देखिए गांव, बिल्कुल देखिए गांव की जनता है, रात का वक्त है, रुके मुलाकात हुई, बातचीत हुई और जगह जगह कई सारे प्रोग्राम हमने किए और यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, गांव के लोग हैं, एक ही गांव के लोग हैं लेकिन अलग अलग उनका पक्ष है, अलग अलग राय है। लेकिन फिलहाल के लिए यहीं पर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और मथुरा चलेंगे, मथुरा वृंदावन वहाँ भी चलेंगे और अगले 3-4 दिन तक लगातार हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे, लोगों की राय बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।